इब्तदा है रब जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों, आप सबको शमीर अहमद का सलाम पहुँचे। आज हम डिजिस्किल ऐप के इस्तेमाल के बारे में सीखना जा रहे हैं, जिसे सबसे पहले हम ओपन करेंगे ऐप को। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और आई थिंक लॉगिन भी होगी। ठीक है, तो मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन करना सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ आपने जो ऐप आपने ईमेल आईडी बनाई होगी वो ईमेल दर्ज करेंगे, नीचे पासवर्ड अपना लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप इस साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये साइन इन हो जाएगी। इसके बाद आपके जो आपकी फ्रंट की स्क्रीन होगी उसमें कोर्सेज आ रहे होंगे, उसके बाद टास्क है, नोटिस बोर्ड है। हम आप कोर्सेज में जाते हैं तो कोर्सेज में दो मेन्यू हैं, करंट और प्रीवियस की। तो इसमें करंट में मेरे दो कोर्सेज आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, एंड प्रीवियस मेन्यू में आ रहे हैं मेरे जो तीन बैचेस में दो दो कोर्सेज हैं वो आ रहे हैं, ये बिलतरतीब ये कोर्सेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अभी करंट कोर्सेज में आते हैं और यहाँ हम ये देखना चाह रहे हैं कि अपना कैसे हम लेक्चर अटैम्प्ट करेंगे। तो इस टाइम मेरे 7 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जैसे ही ओपन करते हैं तो ये देखें, जिन पे टिक हो चुका है दैट इज़ मीन के मेरे वो अटैम्प्ट हो चुके हैं, मैंने देख लिए हैं, और जिन पे क्रास आ रहा है वो अभी मैंने नहीं देखे। तो सबसे पहले हम वीक फर्स्ट में चले जाते हैं। तो इसके पे इसमें सबसे पहले हम वीक वन के फर्स्ट लेक्चर पे क्लिक करेंगे। इन अ फ्यू सेकेंड्स हमारा लेक्चर चल गया है। ये थोड़ा मेरे पास नेटवर्क का मसला है। इसी तरह ये 5 मिनट 15 सेकंड का ये लेक्चर है, आप इसे फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं, ये आपकी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद हम मेरे आई थिंक 7 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं 12 वीक्स में से। इसके बाद हम बैक पे जाएंगे। इस तरह ही आपने सारे अपना इस तरह जैसे देखें सबको ग्रीन टिक करना है, ग्रीन टिक तब होंगे जब आपने सारे लेक्चर देखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बैक में जा रहे हैं। उसके बाद हम टास्क में जा रहे हैं। टास्क में एक्सरसाइज की पहली मेन्यू है, दूसरी है क्विजेस की। एक्सरसाइज में ये है कि आपको जो मेरी 4 असाइनमेंट्स हैं 4 की 4 कंप्लीटेड हैं। ठीक है, तो जो नहीं होगी वो सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा आगे, तो ये देखें इस पर क्लिक कर रहे हैं फर्स्ट पे, तो यहाँ डाउनलोड करेंगे। फिर यहाँ देखें मेरा सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मेरी ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो डाउनलोड करके कोई आई हुई होती है तो उसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो प्रोसेसिंग होगी, डाउनलोड हो जाएगी, आपकी मेमोरी में चली जाएगी, वहाँ से आपने उसे ऑन करना है और अपना अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेना है, या यहाँ से जो टास्क होंगे वो नोट कर लेने हैं कंप्यूटर में और अपनी वहाँ पे असाइनमेंट सब बना कर सबमिट के बटन पे क्लिक करनी है, सबमिट कर देनी है। बैक पे जा रहे हैं हम। उसके बाद क्विजेस का ऑप्शन है, क्विजेस ये अटैम्प्ट हैं, जो नहीं होंगी वो उस पर अटैम्प्ट सिर्फ अटैम्प्ट का ऑप्शन होगा, आपने टेक क्विज पे क्लिक करेंगे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे क्विजेस तो अटैम्प्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन है नोटिस बोर्ड का। तो डिजी स्किल्स जो उनके न्यूली अपडेट्स होती हैं वो यहाँ नोटिस बोर्ड में आई हुई होती हैं इस इदारे की। तो अब जो भी होती है अब रूटीन वाइज आप देख सकते हैं, रिसेंटली 10 मार्च को इनकी अपडेट एक आई हुई है, और इसके साथ जैसे ही कोई इनकी नई कोई न्यूज़ होती है वो यहाँ नोटिस बोर्ड में आ जाती है। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। इसी बात के साथ इजाज़त चाहता हूँ, जज़ाकअल्लाह।